आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलने के चलते शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया है। आला अधिकारियों का कहना है कि हर हाल में आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनका दाखिला करवाया जाएगा। रोहतक से राजू राज की रिपोर्ट। चरखी दादरी जिले से गुजरने वाले 152 डी कॉरिडोर का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है। गांव मोड़ी में आज आधा दर्जन के करीब ग्रामीण इकट्ठा हुए और ग्रामीणों की मांग है कि मोड़ी गांव में बनने वाले इस पुल को चौड़ा किया जाए। वहीं यहां एकत्रित ग्रामीणों का कहना है कि रोड निर्माण कार्य जोरों पर है और कुछ लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। किसान नेता विनोद मोड़ी से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि यह फ्लाईओवर बहुत ही कम जगह में बनाया जा रहा है और इसे अधिक चौड़ा करने की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ किसानों का अब तक मुआवजा नहीं मिला है जो काफ़ी समय से प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और फिर भी मुआवजा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि जल्द ही किसानों को मुआवजा दिया जाए और इस पुल को चौड़ा किया जाए, नहीं तो यहां आधा दर्जन के गांव हैं और सभी ग्रामीण इसको लेकर आंदोलन करेंगे। हर खबर हरियाणा के लिए चरखी दादरी से नरेंद्र मंदोला। जिन जिले के अंदर कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, आज भी 115 नए मामले सामने आए हैं जिसमें से 5 डॉक्टर हैं और एक उचाना के SHO हैं। हालांकि देखिए, डॉक्टर पालेराम डिप्टी CMO का कहना है कि लगातार जिले के अंदर कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। देखिए, फिलहाल की अगर बात की जाए तो जिले के अंदर 578 केस एक्टिव हैं और 6 कोरोना के जो मरीज हैं वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हैं। जिले के अंदर कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लगातार कोरोना का बढ़ता ग्राफ को देखते हुए डॉक्टरों ने बार बार लोगों से अपील भी की है कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हर रोज 100 से ज़्यादा मामले नए सामने आ रहे हैं। और जिले के अंदर देखिए, डॉक्टर का ये भी कहना है कि अभी हालात सामान्य हैं लेकिन जींद रेड जोन में आ चुका है और फिलहाल की अगर बात की जाए तो जिले के अंदर 3 लोगों की कोविड से मौत भी हो चुकी है और 1000 से ज़्यादा लोगों की हर रोज सैंपलिंग की जाती है। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा, जींद। नूह जिले के शहीद राजा हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज में कोरोना महामारी से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में सोहना, फरदाबाद, पलवल व राजस्थान के हैं। इसके अलावा एक नूह जिले से संबंध रखता है। कोरोना महामारी अब अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है जिसके चलते मौतों का सिलसिला जारी हो गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, इसके अलावा सैनिटाइज व मास्क जरूर पहने। हर खबर हरियाणा के लिए नूह मेवात से अनिल मोहनिया। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशे की तस्करी के आरोप में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। यह विदेशी नागरिक नाइजीरिया का बताया जा रहा है। इस विदेशी नागरिक के बारे में कुरुक्षेत्र की शाहबाद पुलिस द्वारा 4 लोगों को नशे के साथ गिरफ्तार किया गया था और उनसे हीरोइन बरामद की गई थी। इन 4 लोगों को गिरफ्तारी के बाद पता चला कि इनको दिल्ली से एक विदेशी नागरिक नशे की सप्लाई करता है। ऐसे में पुलिस ने इन 4 लोगों को की शनाख्त पर और इन 4 लोगों के निशानदेही पर यह विदेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया। विदेशी नागरिक को पुलिस ने अदालत में पेश किया जहां से उसको रिमांड पे लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि इस विदेशी नागरिक के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। हर खबर हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद कुंगर। पानीपत की अनाज मंडी के 38 से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
आरोपी ने धमकी देकर 25 लाख रुपए पानीपत के अनाज मंडी के आड़ती से मांगे थे। पुलिस ने फिलहाल इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत से हर खबर हरियाणा के लिए धर्मवीर सहरावत। रेवाड़ी में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हुआ यूं कि जोमेटो बॉय जब डिलीवरी करने गया तो उसे एक युवक द्वारा गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद युवक घायल हो गया और घायल अवस्था में युवक को एक रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया, लेकिन उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि पलवल जिले के अथीन कस्बे का रहने वाला 30 वर्षीय महेंद्र रेवाड़ी में झज्जर चौक पर रह अपने परिवार के साथ रह रहा था और वो जोमेटो में डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। देर शाम जब अंसल टाउन प्लाजा में वो डिलीवरी लेकर गया तो वहाँ एक घात लगाकर बैठे एक हमलावर ने उस पर गोली चला दी। गोली युवक के पेट में लगी और उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा आशंका जताई जा रही है कि युवक का मोबाइल उसके पास से नहीं मिला तो लूटपाट का इरादा भी बताया जा रहा है। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। सिरसा पुलिस ने एक बार फिर से हॉकी प्लेयर करण सिंह को दबोच लिया है। दरअसल दो दिन पहले करण सिंह और उसके साथी हरदीप को गिरफ्तार किया था, लेकिन करण सिंह का जब मेडिकल करवाने के लिए सिरसा पुलिस नागरिक अस्पताल पहुंची तो करण सिंह ने पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। हालांकि दो दिन के बाद फिर से करण सिंह को दबोच लिया गया है, जिसमें पुलिस की बड़ी सफलता देखने को मिल रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि करण सिंह हॉकी का स्टेट का प्लेयर रह चुका है और कई बार स्टेट के लिए गेम भी खेल चुका है। 2011 और 12 में यमुनानगर में राज्य स्तरीय गेम में भी भाग ले चुका है, लेकिन उसका खेल का अनुभव ज़्यादा नहीं हुआ। खेल प्रतियोगिताओं में ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलने के कारण वह गलत संगत में पड़ गया, जिसके बाद आपराधिक दुनिया में उसने कदम रख लिया। सिरसा के हुड्डा चौक में उसने मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी गिरफ्तारी आज पुलिस ने कर ली है। हर खबर हरियाणा के लिए सिरसा से विजय कुमार। रेवाड़ी में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हुआ यूं कि जोमेटो बॉय जब डिलीवरी करने गया तो उसे एक युवक द्वारा गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद युवक घायल हो गया और घायल अवस्था में युवक को एक रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया, लेकिन उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि पलवल जिले के अथीन कस्बे का रहने वाला 30 वर्षीय महेंद्र रेवाड़ी में झज्जर चौक पर रह अपने परिवार के साथ रह रहा था और वो जोमेटो में डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। देर शाम जब अंसल टाउन प्लाजा में वो डिलीवरी लेकर गया तो वहाँ एक घात लगाकर बैठे एक हमलावर ने उस पर गोली चला दी। गोली युवक के पेट में लगी और उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा आशंका जताई जा रही है कि युवक का मोबाइल उसके पास से नहीं मिला तो लूटपाट का इरादा भी बताया जा रहा है। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। अग्रोहा धाम में पावन पूर्णिमा के अवसर पर माता मंदिर में यज्ञ हवन किया गया। इस अवसर पर 56 भोग का भंडारा भी लगाया गया। विकास ट्रस्ट समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कार्यकारिणी की बैठक ली और अग्रोहा धाम के विकास और सौंदर्यकरण को लेकर के उनसे विचार विमर्श किया। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। फरीदाबाद में पिछले कई दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आज फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय के बाहर धरना दिया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी बात हरियाणा सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। इस मौके पर उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वे पिछले लंबे समय से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जबकि वे लगभग हर जनप्रतिनिधि का दरवाजा खटखटा चुकी हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस संदर्भ में बात करेंगे और समय लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो जितनी भी मांगे हैं
उन पर चर्चा की जाएगी तथा हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो मांगे हैं उनको सिरे चढ़ाया जा सके। हालांकि लगातार आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है धरना प्रदर्शन का रुख अपना रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के इस आश्वासन के बाद उनमें अपनी मांगों के पूरा होने को लेकर एक उम्मीद दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में जज्जर के टाउन हॉल पर तिरंगा फहराने के शताब्दी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1922 में टाउन हॉल पर तिरंगा फहराने वाले स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा राव मंगली राम लाला हरिराम सिंह जैन के परिजन शताब्दी वर्षगांठ कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए। डीसी शामलाल पूनिया व पुलिस अधीक्षक वसीम अक्रम स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों से ही शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर टाउन हॉल पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण कराया और मुख्य कार्यक्रम से पहले झज्जर जिला उपायुक्त सचिवालय स्थित पंडित श्रीराम शर्मा की मूर्ति पर माल्य अर्पण कर वहां पर भी तिरंगा फहराया और साथ ही नगर परिषद द्वारा झज्जर शहर में सभी स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर झंडे सजावटी की गई। हरियाणा पुलिस के बैंड की विशेष कार्यक्रम के दौरान लाइव परफॉर्मेंस रही। परिजनों ने जीवंत के स्वतंत्रता सेनानी की याद करते हुए शताब्दी वर्षगांठ कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही जिला उपायुक्त ने आए हुए गणमान्य लोगों को संबोधित भी किया और जो है पंडित श्री राम शर्मा और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में अवगत भी कराया। झज्जर से हर खबर के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। अम्बाला में काफी दिनों से ठंड पड़ रही है जिसके चलते हुए आम नागरिक के साथ साथ अब दुकानदार भी परेशान होने लगे हैं। दुकानदारों का कहना है कि 6 बजे कोरोना गाइडलाइन के साथ दुकानें बंद करनी पड़ती है जिसके चलते हुए ग्राहकों का आना जाना ही मुश्किल हो गया है और उनको खाने के लाले पड़ गए हैं। हर खबर हरियाणा के लिए अम्बाला से तरुण कपूर। यमुनानगर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो पारा जो है 5 डिग्री तक जा पहुंचा है जिसके वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि यह हरियाणा का जो अंतिम छोर है और एक तरफ यमुना है दूसरी तरफ हिमाचल की पहाड़ियां हैं उसके चलते यहां ठंड बाकी इलाकों की अपेक्षा ज़्यादा होती है और यही वजह है कि पारा लगातार नीचे आ रहा है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने चेतावनी दिया अगले 2-3 दिन में बारिश भी हो सकती है, पारा और लुढ़क सकता है। जो दुकानदार हैं वो अलाव जलाकर किसी तरह से काम चलाने को मजबूर हैं और बाज़ारों में सन्नाटा छाया हुआ है। ठंड और बढ़ सकती है इसीलिए लोगों को एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। सुरेंद्र मेहता, हर खबर हरियाणा, यमुनानगर।